हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बुरहानपुरी दाल चावल। दाल चावल तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल दाल है और इसके साथ में बघारा हुआ चावल है। बुरहानपुर की शादियों में इस तरह के दाल चावल बनाए जाते हैं। तो बिना देर किए चले इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तुअर की दाल ली है 1 कप के करीब। इसे मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। इसे हम 3 से 4 सीटियों में उबाल लेंगे। दाल को इस तरह से भिगो देने से ये जल्दी से गल भी जाती है और आपको इसे घोटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप पानी, नमक अपने जायके के हिसाब से, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है और 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका लीड लगाकर रख लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी तक पका लेंगे हम, जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। और जब तक हमारी दाल रेडी हो रही है, हम बावर्ची स्टाइल जो दाल बनाते हैं उसके लिए जो मसाला रिक्वायर होता है उसे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, शाह ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और बाकी मैंने यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं जिसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, स्टारफूल और एक बड़ी इलायची ली है। इन सभी मसालों को हम स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। ये मैंने पहले खड़े मसाले डाले हैं, उसके बाद में ज़ीरा और सौंफ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़ीरा और सौंफ जल्दी से भून जाते हैं इसलिए मैंने इन्हें बाद में ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया। इन सभी मसालों का जो फ्लेवर आता है दाल में वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और इन्हीं मसालों की वजह से जो दाल होती है वो बिल्कुल बावर्ची स्टाइल लगती है। जब भी बावर्ची से हम ऑर्डर देकर कुछ मंगवाते हैं तो इन्हीं मसालों का यूज़ करके वो बनाते हैं, तभी उनकी दाल इतनी टेस्टी बनती है। तो इन सभी मसालों को मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सूखा खोपरा, यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ली है। खसखस को ऐड करने के बाद में हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि खसखस बहुत जल्दी भून जाती है। इन चीज़ों को भी भून लेने के बाद मैं निकालूंगी मिक्सी में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारे कुकर को 3 से 4 सीटी हो चुकी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी दाल हो गई है क्या। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, जो हमने 2 घंटे भिगो के रखा था इस वजह से ये दाल इतनी अच्छे से गल चुकी है। आप चाहे तो दाल को अगर घोटना चाहे तो घोट सकते हैं, पर ना भी घोटे तो भी ये चलेगी। इसके बाद जिसमें हमें दाल बनानी है उस बर्तन में हम तेल ले लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। इसमें हम खड़ा मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है, दालचीनी और 1 इलायची ली है, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। मसालों को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे हम। बेसिकली ये जो दाल बनती है इसे हम पूरा सालन की तरह रेडी करते हैं, उसके बाद में हम इसमें दाल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम भून लेंगे जब तक इसकी कच्ची स्मेल ना निकल जाए। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपने जायके के हिसाब से ली है, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको अच्छी लगे। अदरक लहसुन भून लेने के बाद में मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड किए हैं, साथ ही मैं इसमें मसाले भी ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक जायके के हिसाब से, और 2 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला जो हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था वो ले लिया है। आप चाहें तो इसे होममेड गरम मसाले में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मसाले मैंने लिए हैं उससे इस दाल में खुशबू बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल बावर्ची स्टाइल ये दाल हमारी बनकर रेडी होती है। तो अब हम टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस और सूखे खोपरे का जो हमने पेस्ट रेडी किया था,
पेस्ट ऐड करने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। सेम प्याली में ही मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हम तब तक इसे कुक कर लेंगे। बुरहानपुर की शादियों में इस तरह के दाल चावल बनाए जाते हैं। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये दाल नॉर्मल दाल से बिल्कुल अलग लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें जो सोंधापन होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। तो ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें जो दाल हमने उबाल कर रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने ये कुकर में जो दाल लगी हुई थी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ अपने हिसाब से पानी डाला है, आप अपने हिसाब से इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको ठीक लगे। वैसे जब ये दाल धीरे धीरे ठंडी हो जाती है तो ये दाल बहुत ही गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं ये दाल कितनी गाढ़ी है। तो इसमें मैं अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी होने आई है, अभी हुई नहीं है। इसमें एक स्पेशल तड़का अभी भी बाकी है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पानी ले लिया है। इस तरह से दाल को कुक करने के बाद में इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है ऊपर से, और अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब इसके लिए एक तड़का रेडी करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर, कितना ज़बरदस्त सा टेक्स्चर, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी दाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तड़के की तरफ। तड़के के लिए मैंने एक पैन में तेल लिया है। इसमें हम 1 प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन या फिर आप बिरिस्ता भी कह सकते हैं, बिरिस्ते की तरह बना के हमें इसे दाल के ऊपर से तड़का दे देना है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हमारी प्याज रेडी है। अब हम इसे जल्दी से दाल में डाल देंगे इससे पहले कि ये जल जाए। और फाइनली ये हमारी दाल हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल, कितनी ज़बरदस्त सी ये लग रही है। चिकन मटन तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर इस तरह की दाल एक बार ट्राई करके देखिए, चिकन और मटन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ आप जीरा राइस, बघारा राइस, अचार और पापड़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ में बनाने जा रही हूँ बघारा राइस। तो चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 3 लौंग और 2 इलायची डाली है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 बड़ी प्याज ली है चॉप की हुई। प्याज को भी थोड़ा अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें चावल नहीं बल्कि पानी ऐड करेंगे। हम पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब पानी लिया है और नमक अपने जायके के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 2 कप चावल के लिए 2 चम्मच नमक लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब। इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। चावल को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कुक कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 कप दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध से भी ये जो चावल है ये बहुत ही सौंधे बनते हैं। ये देखिए चावल हमारे तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तला हुआ बादाम। ये मैंने फ्राई करके रख लिया था। आप चाहे तो जब हमने गर्म मसाले ऐड किए थे उसके साथ में भी आप ये बादाम को ऐड कर सकते थे, पर मैंने ये अभी किए है। बादाम ऐड करने के बाद हम इसे दम पर रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे ये चावल जो है वो 90% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना हमारे जो चावल है ये टूट जाएंगे। तो हम इसे दम पे रख देते हैं कवर करके। ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी है। कितने खिले खिले से, कितने खुशबूदार जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, इसकी बड़ी सौंधी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही खिले खिले से ये चावल बने हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये दाल राइस की रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।